किसी को भी कोरोना हो जाता है और अगर उसकी उसकी वजह से डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। एक ऑटो ड्राइवर का फ़ोन आया, बहुत भाव विभोर हो रहा था, गला उसका बिल्कुल भरा हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ, बोला जी मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये आ गए। और बोला कि मैं समझ नहीं आ रहा आपका किस शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। कहता है कि किसी सरकार ने ड्राइवरों का ख्याल नहीं रखा, इतनी मुसीबत की घड़ी में आपने हमारा ख्याल रखा, आपने हमको याद किया। जहांगीरपुरी में एक कंटेनमेंट जोन है, वहां पे एक ही कुनबे के 26 लोगों को कोरोना मिला है कल, एक ही परिवार के। तो वो 26 लोग मतलब पास कई सारे उनके मकान थे, तो वो एक दूसरे के घर में जा रहे थे, इस कंटेनमेंट के बावजूद भी एक दूसरे के घर जा रहे थे। नमस्कार, पिछले 2-3 दिन में दिल्ली में केसेस थोड़े कम हुए हैं। बीच में तो एक दिन 180 केस आ गए थे, एक दिन 300 से ज़्यादा केसेस आ गए थे, एक दिन और 150 से ज़्यादा केसेस आ गए थे। तो बीच में थोड़ी घबराहट बढ़ गई थी कि इतनी तेज़ी से क्या कोरोना बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर, लेकिन पिछले 3 दिन में थोड़े से केस कम हुए हैं। अभी इसको और भी कम करना है और मैं अभी भी अगले कुछ दिन में कैसे होता है उस पर डिपेंड करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दिन के अंदर केसेस और कम होंगे बढ़ने की बजाय। कल 67 केस आए थे और कल हमने ये जो 67 केस हैं 2274 सैंपल की टेस्टिंग में 67 केस आए थे। तो इसका मतलब बहुत तेज़ी से अभी नहीं बढ़ने लगा है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ये और कम हो ताकि अपने को सबको कोरोना से मुक्ति मिल सके। एक मेरी आप लोगों से अपील है, कंटेनमेंट जोन्स जो हैं, जो हमने लॉक कर दिए हैं, सील कर दिए हैं, जो 71 हो गए हैं आज दिल्ली के अंदर, टोटल 71 जोन हो गए हैं कंटेनमेंट के, जो बिल्कुल सील कर देते हैं हम लोग, अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता, बाहर से अंदर नहीं आ सकता। और अंदर भी जो लोग रहते हैं उनको अपने अपने घरों के अंदर रहना होता है, घर के बाहर नहीं निकलना होता। उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो हम पूरी कराते हैं, वहाँ पे पुलिस वाले, लोकल प्रशासन बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं और वो आपके लिए सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से विनती है कि कंटेनमेंट जोन्स में बाहर से अंदर और अंदर से बाहर तो हम रोक रहे हैं, लेकिन अंदर लोग सारी कोशिशों के बावजूद कुछ कंटेनमेंट जोन्स के अंदर लोग फिर भी गली में निकल जाते हैं, एक दूसरे के घर चले जाते हैं। अब कल जहांगीरपुरी में एक कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पे एक ही कुनबे के 26 लोगों को कोरोना मिला है कल, एक ही परिवार के। तो वो 26 लोग मतलब पास कई सारे उनके मकान थे, तो वो एक दूसरे के घर में जा रहे थे, इस कंटेनमेंट के बावजूद भी एक दूसरे के घर जा रहे थे। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, पूरा देश इस टाइम लॉकडाउन में है, कितनी मुसीबतों का हम सब लोग सामना कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप अनुशासन नहीं बरतेंगे तो आपको ही तकलीफ होगी। आपकी जान की चिंता है हम लोगों को, आपकी ज़िंदगी की चिंता है हम लोगों को, इसीलिए मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ। अब बताओ, एक ही परिवार के 26 लोगों को कोरोना हो गया तो अच्छी बात तो नहीं है। मैंने पहले भी कई बार कहा था, आपको कोरोना होगा कि नहीं होगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अपने को बचा के रखोगे तो कोरोना नहीं होगा, और ढील दे दोगे तो कोई नहीं बचा सकता। और अगर किसी के मन में ये हो ना कि मेरे को तो कोरोना नहीं होगा, ये भूल जाओ, ये कोरोना ना तो बहुत बड़े किसी मंत्री को छोड़ता और ना चपरासी को छोड़ता, इससे कोई नहीं बच सकता। कोई धर्म, कोई जाति, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई नहीं बचा हुआ। तो कोई इस गलत फहमी में मत रहना कि मेरे को तो कोरोना नहीं हो सकता, कहीं किसी को भी हो सकता है और कहीं से भी आ सकता है, पता भी नहीं चलेगा। तो अपने आप को बचा के रखो, अगर कहीं पे कंटेनमेंट सरकार ने कराया तो सोच समझ के कराए,
कम से कम वहां तो एकदम बहुत सख्ती के साथ अपने घर के अंदर रहो। आज सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। अभी कुछ दिन पहले हमने निर्णय लिया था कि कोई भी डॉक्टर, नर्स, अस्पताल में काम करने वाले सरकारी जितने सफाई कर्मचारी, जितने लैब टेक्नीशियन जो अस्पताल में काम करते हैं, कोरोना के मरीजों का इलाज करते वक्त अगर उनमें से किसी को भी कोरोना हो जाता है और अगर उसकी उसकी वजह से डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं, दूसरे कर्मचारी भी हैं जो कोरोना के मरीजों की सेवा करने में लगे हुए हैं। जैसे पुलिस है, पुलिस के लोग रात दिन कोरोना के मरीजों की जगह जगह सेवा करने में लगे हुए हैं। उसी तरह से हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं जो रात दिन इनकी सेवा करने में लगे हुए हैं। हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं जो खाना बांट रहे हैं सब लोगों को। अगर किसी भी कर्मचारी को जो कोरोना के लोगों की सेवा कर रहे हैं और सेवा करने की वजह से उनको भी कोरोना हो जाता है और कोरोना होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो सभी कर्मचारियों के ऊपर अब ये स्कीम लागू की जा रही है कि मरणोपरांत उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। आज एक ऑटो ड्राइवर का फोन आया, बहुत भाव विभोर हो रहा था, गला उसका बिल्कुल भरा हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला जी मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये आ गए। और बोला कि मैं समझ नहीं आ रहा आपका किस शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। कहता है कि किसी सरकार ने ड्राइवरों का ख्याल नहीं रखा, इतनी मुसीबत की घड़ी में आपने हमारा ख्याल रखा, आपने हमको याद किया। मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, ये पैसा मेरा नहीं है, ये आप ही का पैसा है, आप ही के काम आना चाहिए और मेरा ये फ़र्ज बनता है जो कुछ मैं कर रहा हूँ। मुझे खुशी है आज हमारे ऑटो वाले, ग्रामीण सेवा वाले और जितने टैक्सी वाले, ई रिक्शे वाले, जितने ड्राइवर्स हैं, जितने भी, सबके अकाउंट में पैसे पहुंचने चालू हो गए हैं। 1 लाख के करीब अभी तक एप्लीकेशंस आई हैं, अभी भी वेबसाइट चालू है, एप्लीकेशंस आ रही हैं और कल से पैसे उनके अकाउंट में जाने चालू हो गए हैं। जो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके जाँच कर रहे हैं हम, उनके डॉक्यूमेंट्स की जल्दी जल्दी जाँच कर रहे हैं और उनके अकाउंट में पैसे जाने चालू हो गए हैं, 5-5 हज़ार रुपये हर एक के अकाउंट में। और पूरी दिल्ली के अंदर इस टाइम 60 मशीनें लगी हुई हैं हमारी सैनिटाइजेशन करने के लिए और दिल्ली के काफ़ी इलाकों में सैनिटाइजेशन हो चुका है, जगह जगह मशीनें जा रही हैं। आपको भी, आपके इलाके में भी आएंगे, लेकिन अगर आपको भी पहले कराना है अपना सैनिटाइजेशन हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके इलाके में भी सैनिटाइजेशन मशीनों के द्वारा करा देंगे। दिल्ली में 71 लाख लोगों के राशन कार्ड हैं, सबको राशन मिल चुका है, कंप्लीट हो गया है। 7.5 किलो राशन 71 लाख लोगों को फ्री में मिल चुका है, वो कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए हमने कहा था भाई, हमने वेबसाइट खोली थी कि भाई अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, आप गरीब हैं, आप सरकार से फ्री में राशन लेना चाहते हैं, आप अप्लाई कीजिए। 31 लाख लोगों ने अप्लाई किया अभी तक, उन सबको भी देंगे, उनको बंटना चालू हो गया है। स्कूलों के ज़रिए हम राशन बंटवा रहे हैं उनको। 3.5 लाख लोग ऑलरेडी, ऐसे लोग राशन उठा चुके हैं जिन लोगों को के पास राशन कार्ड नहीं था। 31 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, उन सबको भी हम राशन पहुंचा रहे हैं, स्कूलों में राशन बंट रहा है। इन सब चीज़ों के अलावा मैं हमेशा कह रहा हूँ, ये इतनी बड़ी त्रासदी है कि अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप सबका जब तक साथ नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ और इधर उधर से पता चल रहा है, बहुत सारे लोग हमारी भी पार्टी के, दूसरी भी पार्टियों के, समाज सेवी संस्थाओं के अच्छे काम में लगे हुए हैं। कहीं पता चलता है किसी को कि यहाँ कोई भूखा है, यहाँ पे किसी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, मैं देखता हूँ कि कोई कोई ना कोई आदमी वहाँ पहुँच जाता है। ये धर्म का काम है, ये पुण्य का काम है, यही इंसानियत है, यही सच्ची भगवान की पूजा है और यही सच्ची देशभक्ति है। इस टाइम कहीं आपको कोई आदमी दुखी मिले किसी भी वजह से, उसके दुख को दूर करने की कोशिश करें।
और मैं उन सब लोगों को सलाम करना चाहता हूँ जो इस दुख की घड़ी में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और मैं भी 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर हूँ, 24 घंटे रात दिन हम लोग लगे हुए हैं। कभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, बेहिचक आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।